नमस्ते मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित अकेडमी इंजीनियरिंग में तो आज ये जो है हमारा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट वाला जो है जिस जो कि मैंने कंट्रोल सिस्टम के लिए दिया था आप लोगों को उसका सोल्यूशन है ठीक है तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो देखिए यहां पे क्या बोला गया है द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ अ स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज शोन इन द फिगर ठीक है तो ये नाइक्विस्ट प्लॉट है किसका ये जी ऑफ एस एक स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन का वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इन द द फीडबैक शोन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है तो ये एक नाइक्विस्ट प्लॉट है किसका जी ऑफ एस का आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे ट्रू होगा तो सबसे पहले जी एस इज एन ऑल पास फिल्टर ऑप्शन बी जी एस जीरो इन राइट हाफ प्लेन जी एस इज द इंपीडेंस ऑफ अ पैसिव नेटवर्क जीएस इज मार्जिनल स्टेबल तो यहां पे क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपको क्या बोला है कि ये एक मेरा नाइक्विस्ट प्लॉट एक स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन का जो कि ऐसे कनेक्टेड है एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू होने वाला है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो क्या कि बेसिकली ऑप्शन डी जो है ये क्या बोला गया है जीएस इज मार्जिनली स्टेबल अगर मार्जिनल स्टेबल है यहां पे तो जीएस बोला है स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन ऑप्शन डी को मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकता हूं ठीक है तो मैंने कर दिया अब ऑप्शन बाई ऑप्शन यहां पे चेक करते हैं सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए को मैं चेक करता हूं ठीक है ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करूं यहां पर तो आपको यहां पर क्या लिखा हुआ है जीएस इज एन ऑल पास फिल्टर तो एज्यूम कर लेता हूं जीएस अगर एक ऑल पास फिल्टर है तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं एस माइनस टू एस प्लस टू एक ऑल पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसका जो पोल्स एंड जीरो पोल है एस इक्वल टू प्लस टू पे इसका एक जीरो है, है तो मैंने इसको सिमेट्रिकल पोल जीरो पे लिए हुए है ठीक है तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां पर तो इसके लिए अगर पोलर प्लॉट में सॉल्व करना चाहूं तो देखो g ऑफ j ओमेगा दिस विल बी इक्वल टू j ओमेगा माइनस टू डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस टू तो मैग्नीट्यूड ऑफ g j ओमेगा दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये आया वन सो मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अब फेस का अगर बात करूं मैं यहां पे तो फेज ये जो पॉइंट है क्योंकि यहां पे मैं पोलर प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं एट द मोमेंट तो ओमेगा का वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तक वैरी करने वाला है ठीक है तो यहां पे ये जो पॉइंट है माइनस टू प्लस जे ओमेगा दिस विल लाई इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट तो यहां पे ये होगा 180 एट्टी माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई टू और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या होगा दिस विल इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट सो माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय टू सो दिस इज 180 सॉरी ये आपका माइनस टू प्लस जे ओमेगा हाँ तो सही है ये तो माइनस टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय टू तो अब अगर मैं यहां पे स्केच करूं ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा और फेज तो ये क्या दिख रहा है ओमेगा का वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तक वैरी करूंगा तो इनफाइनाइट पे वन, मैग्नीट्यूड वन ही रहेगा फेस का बात करूं तो जीरो पे वन एटी डिग्री और हमारा इनफाइनाइट पे दिस विल बी योर जीरो तो ये इसका जो पोलर प्लॉट है ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको ये मेरा जीरो डिग्री है दिस इज माइनस नाइनटी माइनस वन एट्टी और ये है मेरा माइनस टू सेवेंटी तो वन एट्टी डिग्री पे भी वन और इनफाइनाइट पे भी जीरो अब बहुत से लोगों को डाउट आता है कि पोलर प्लॉट इसका ऐसे आएगा कि ऐसे ऊपर से आएगा डाउट होता है कि नहीं होता है तो इसके लिए क्या है एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लीजिए जैसे कि मैं यहां पे ओमेगा का वैल्यू ले टू लेता हूं तो मैग्नीट्यूड तो वन रहेगा यहां पे क्या होगा इनवर्स ऑफ दैट दैट विल बी सो इज डिग्री ये एक पॉजिटिव एंगल आया पॉजिटिव एंगल ठीक है तो पॉजिटिव एंगल आया कितना आया 135 डिग्री तो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है समवेयर ओवर हियर तो इसके लिए जो पोलर प्लॉट बना ये कुछ ऐसे बनेगा ठीक है ये पोलर प्लॉट बना तो अगर नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना चाहूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा ठीक है ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट और यहां पे ही ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस ओमेगा इक्वल टू जीरो माइनस तो ये मुझे क्या दिख रहा है ये एक ऑल पास फिल्टर का तो हमारा क्या है नाइक्विस्ट प्लॉट नहीं है बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन ये सिमेट्रिकल नहीं है तो ऑप्शन ए रॉन्ग है अब थोड़ा ऑप्शन सी को चेक करते हैं क्या है जीएस इज इंपीडेंस ऑफ अ पैसिव नेटवर्क तो अब मेरे को क्या पता है देखो एक पैसिव नेटवर्क मैं क्या लिख सकता हूं जैसे कि एक आरसी लो पास फिल्टर एक पैसिव नेटवर्क है जैसे कि ये मेरे पास एक पैसिव फिल्टर तो मैं इसको वन ओम और यहां पे एक कैपेसिटर वन फेर ले लेता हूं जहां पे की ट्रांसफर फंक्शन इसका अगर मेरे को लिखना है जी ऑफ एस दैट विल बीवल टू यहाँ पे वन बाई एस होगा एंड दिस इज वन तो दिस इज वन बाई एस डिवाइडेड बाई वन प्लस वन बाई एस कैसे लिखा अगर ये वी आई ऑफ एस है ये वी नॉट ऑफ एस है तो वोल्टेज डिवाइडर यूज करके वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू वी आई ऑफ एस इन टू वन बाई एस डिवाइडेड बाई वन बाई एस प्लस वन ठीक है ऐसे लिख दिया तो वी नॉट एस बाई वी आई एस यही तो ट्रांसफर फंक्शन है तो दिस इज वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एस ठीक है तो ये मेरे पास जी ऑफ एस आ गया अब यहां पे अगर मैं जी ऑफ जे ओमेगा लिखूं सो दिस विल बी वॉट वन डिवाइडेड बाई वन प्लस जे ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा तो ये क्या होगा वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर फेज ऑफ जी जे ओमेगा ये क्या होगा दिस इज माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा ठीक है तो अब अगर मैं इसके लिए पोलर प्लॉट बनाऊं ओमेगा पे मैग्नीट्यूड और फेज तो ये क्या होगा जीरो से इनफाइनाइट तक वेरी करवाता हूं तो यहां पे मैग्नीट्यूड देखो जीरो पे वन इनफाइनाइट पे जीरो फेज यहां पे जीरो डिग्री माइनस नाइंटी डिग्री मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा ठीक है तो ये ऐसे बना ओमेगा इक्वल टू जीरो ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस अब अगर पोलर प्लॉट बनाऊंगा तो जस्ट सिमेट्रिकल इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा ये भी नहीं है अब मैं कोई भी वैल्यू ले लूं देखो यहां पे कोई भी वैल्यूज अगर लेना स्टार्ट करूं मैं यहां पे टू ले लेता हूं थ्री ले लेता हूं मैं कभी भी इसको ओरिजिन के इस पार नहीं ला पाऊंगा लेकिन यहां पे देखो नाइक्विस्ट प्लॉट में दिया हुआ है ऐसा तो मैं ला नहीं पाऊंगा तो अगर ये एक पैसिव नेटवर्क है अब कोई दूसरा पैसिव नेटवर्क भी ले सकते हो एक आर का कनेक्शन भी ले सकते हो तुम्हारा मन लेकिन अगर यही सेटिस्फाई नहीं करना है दिस इज वन ऑफ द पैसिव नेटवर्क इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग देन ऑल द अदर्स मैं चेक ही नहीं करूंगा और एक चीज देखो यहां पे शॉर्टकट था ये मेरा क्या है ये मेरा टाइप जीरो ऑर्डर वन है तो कभी भी अगर न्यूमरेटर में जीरोज नहीं रहते एक ट्रांसफर फंक्शन में अगर जीरोज नहीं है सिर्फ पोल्स है वो भी लेफ्ट हैंड है तो जो टाइप होता है उसका एंगल बेसिकली मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट बताता है सो माइनस नाइनटी इंटू द नंबर ऑफ टाइप सो दैट इज जीरो जीरो डिग्री एंड पॉइंट

प्लॉट तो देखो देख लेते हैं इसके लिए जी एस एज इन द राइट हाफ प्लेन ठीक है देखो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो मैं एक ट्रांसफर फंक्शन लेता हूं सबसे पहले माइनस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस टू ठीक है तो सबसे पहले यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं अच्छा नहीं तो चलो जी ऑफ जे ओमेगा तो दिस विल बी जे ओमेगा माइनस वन डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा तो ये आ गया कितना अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ठीक है फेज ऑफ जी जे ओमेगा ये क्या होगा दिस विल भी तो ये माइनस वन प्लस जे ओमेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वन एट्टी माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा और ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा फिर से पोलर प्लॉट बनाता हूं देखो ओमेगा यहां पे मैग्नीट्यूड यहां पे मेरा फेज ठीक है सो ओमेगा जीरो इनफाइनाइट जीरो पे देखो यहां पे क्या आएगा मेरा मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी वन बाई टू और फेज का वैल्यू कितना होगा फेज विल बी वन एट्टी डिग्री और इनफाइनाइट पे क्या होगा इनफाइनाइट पे मेरा जो फेज होगा सॉरी मैग्नीट्यूड जो होगा इट विल बी वन एंड फेज विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री तो यहां पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इसका पोलर प्लॉट तो ये जीरो डिग्री माइनस नाइनटी माइनस वन एट्टी डिग्री माइनस टू सेवेंटी तो जीरो पे हाफ और 180 डिग्री कहीं यहां पे होगा ठीक है और इनफाइनाइट पे वन और ये जीरो डिग्री मतलब अब अगर बोलोगे कि नीचे से आएगा कि ऊपर से तो ठीक है एक और फिर से इंटरमीडिएट पॉइंट ले लो इंटरमीडिएट पॉइंट अच्छा यहां पे टू टेन इनवर्स ओमेगा क्यों लिखा हूं दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई टू ठीक है गलती लिख दिया था तो यहां पे अगर लेना चाहते ही हो तो चलो ओमेगा का वैल्यू मैं रूट टू ले लेता हूं रूट टू लूंगा एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड आएगा जो भी आएगा उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं लेकिन यहां पे क्या आएगा वन एट्टी माइनस साइन कॉमन रखता हूं टेन इनवर्स ऑफ रूट टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ वन बाई रूट टू अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको पता होना चाहिए टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री ठीक है तो यहां पे ये नाइनटी डिग्री हो गया सो दिस इज नाइन्टी डिग्री ठीक है ये 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री कहां है ऊपर है तो ये बेसिकली कुछ ऐसे बन जाएगा उमेगा इक्वल टू जीरो प्लस उमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस इसी पॉइंट पे उमेगा इनफाइनाइट माइनस होगा और ये उमेगा जीरो प्लस तो ये मुझे क्या दिख रहा है ये तो कुछ इसके जैसा सिमिलर सा दिख रहा है देखो यहां पे सिमिलर सा दिख रहा है तो यहां पे मैंने सेट तो नहीं किया है लेकिन एग्जैक्टली exactly अगर देखोगे तो हां लग तो यही रहा है यही है मतलब बाय ही है ऐसे ही देखो ये माइनस हाफ पे होगा तो ये दिख रहा है कि यहां पे ये यह मेरा आ रहा है एग्जैक्टली सेम ट्रांसफर फंक्शन ठीक है तो ये बेसिकली मेरा ट्रांसफर फंक्शन है क्योंकि यहां पर देखो मैग्नीट्यूड भी इसका हाफ है हाफ है ठीक है तो ये मैंने यहां पे एक रैंडम सा ट्रांसफर फंक्शन लिया और ये इसके तरह दिख रहा है तो ये मेरा क्या हो गया ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्या बोला है गेन एंड फेज मार्जिन ऑफ जीएस तो यहीं पे पे इरेज कर कर देता देता हूं हूं इसको यहां पे ही सॉल्व आप लोगों के लिए देखो क्या बोला है गेन एंड फेज मार्जिन तो गेन मार्जिन क्या होता है डीबी में पूछा है तो गेन मार्जिन इन डीबी इज इक्वल टू ट्वेंटी लॉग ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ वन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा पीसी ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं गेन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा पीसी निकालता हूं ठीक है तो यहां पे देखो ओमेगा पीसी क्या होता है बेसिकली इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ एल टी एफ वेर फेज इज माइनस वन एट्टी डिग्री या जहां पे बेसिकली मेरा ये इमेजिनरी रियल नेगेटिव रियल एक्सिस को कट करे तो ये यह यहां पे कट किया ठीक है यहां पे कट किया यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नीट्यूड ये वाला पॉइंट है तो ये यहां पे लूंगा तो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव आ गया तो अब यहां पे ट्वेंटी लॉग ऑफ टू तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट जीरो टू डीबी ठीक है तो यहां पे देखो कुछ कुछ ऑप्शंस भी है सिक्स और थ्री डी तो ये मैंने बना दिया क्या ये बना दिया गेन मार्जिन अब फेज मार्जिन बनाना है तो फेज मार्जिन इज 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ फेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है इट इज फ्रीक्वेंसी वेर द गेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज वन तो मुझे क्या दिख रहा है देखो यहां पे यह माइनस जे को कट कर रहा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है 180 एंगल फेस एंगल ऑफ जी ओमेगा जी तो बेसिकली यहां पे ये ओमेगा जी है ये तो ओमेगा जी ही है ना ये पॉइंट बिकॉज यहां पे मैग्नीट्यूड वन हुआ तो वन एट्टी देखो ये वन एट्टी प्लस फेज एंगल ऑफ जी ओमेगा जी ये ओमेगा जी है तो ये एंगल पूछ रहा है मेरे से तो ये कितना हो गया मेरे पास ये एंगल हो गया मेरे पास नाइनटी मतलब वन यहां पे और ये हो गया 90 डिग्री अब ये 270 आया लेकिन 270 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है इसका मतलब क्या इन्होंने ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको लिया है तो 180 ये देखो ये वाला एंगल कितना है अगर मैं थोड़ा सा यहां पे इरेस कर देता हूं इन्होंने नीचे वाला साइड पे नहीं लिया है इन्होंने क्या किया है ऊपर वाला लिया है क्यों ऐसा क्यों हुआ देखो क्योंकि मेरा जो पोलर प्लॉट है ध्यान से देखो ध्यान से जो पोलर प्लॉट है पोलर प्लॉट का ही मैं क्या लेता हूं फेज मार्जिन तो ये ऊपर वाले साइड पे देखो यहां पे कट कर रहा है सो दिस मीन्स दिस एंगल दे आर आस्किंग तो यहां पे 180 ये एंगल कितना है माइनस नाइनटी तो इसी वजह से ये 270 गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि ये जो नीचे वाला है ये ओमेगा इक्वल टू देखो यहां पे क्या है इनफाइनाइट माइनस से लेके ओमेगा जीरो माइनस और हमको पता है फेज मार्जिन हम पोलर प्लॉट के लिए कैलकुलेट करते हैं जो कि ओमेगा इक्वल टू जीरो प्लस से ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस सो दैट इज 180 प्लस एंगल ऑफ जी एच जे ओमेगा जी सी तो ये है बेसिकली मेरा प्लस जे एंगल एट जी, जी एच जे ओमेगा जी सी सो वन एटी माइनस नाइनटी क्योंकि एंगल एट जी एच जे ओमेगा जी सी इज इक्वल टू माइनस नाइंटी डिग्री तो ये आ गया कितना मेरे पास 90 डिग्री तो यहां पे बहुत अच्छा ऑप्शन होता अगर एक 270 डिग्री किसी को दे दिया जाता तो हमेशा ध्यान रहे फेज मार्जिन इज द कंसेप्ट ऑफ पोलर प्लॉट पोलर प्लॉट में ओमेगा वैरी होता है कहां से कहां तक जीरो प्लस से इनफाइनाइट प्लस तक यहां पे वैरी होता है तो बेसिकली मैं ये वाला एंगल लूंगा फिर हाँ है ना 180 एट्टी प्लस एंगल ऑफ जीएचे ओमेगा जी सी ये नीचे वाले को नहीं ले लेना है तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता तो इसका आंसर आ गया सिक्स डीबी प्लस नाइनटी डीबी ठीक है तो इसी के साथ जो हमारा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन एंड करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि एवरी डे प्रैक्टिस प्रॉब्लम रात के ग्यारह बजे और सुबह ग्यारह बजे आपको दो मिलेंगे तो वो वहीं पे पोस्ट होने वाला है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में धन्यवाद